पौधा नहीं है, बरहक बनाया हुआ अल्लाह का बंदा है। अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है, मगर वो कमरे में पौधा नहीं है। जब पौधा नहीं है तो कली कहाँ से खिलेगा और खुशबू कहाँ महकेगा। वो खुशबू से महरूम है, वो खुशबू से महरूम है, अरे उस उनको कयामत के दिन नूरी चादर के साये के नीचे होंगे। और रुसवाई उस दिन होगा, रुसवाई उस दिन होगा, उस दिन अफसोस करके कोई मतलब नहीं। उस दिन अफसोस करके कोई मतलब नहीं है, अरे जो वक्त दिया है उसके शुक्रिया अदा करना है। और शरीयत को मान कर जिक्रे रसूल करना है, शरीयत को मान कर नमाज कायम करके कुरान तिलावत करके और हदीस शरीफ बयान करके, अरे ये मुकम्मिल किताब जब हो जाएगा तो दिल में खुद बे खुद पौधा लग जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेशक वो दिल में खुद बे खुद पौधा लग जाएगा, इश्की मोहब्बत में वो खुशबू जो महकेगा, तो इश्की मोहब्बत में, इश्की मोहब्बत में, अरे नबी के शान में, अरे नबी के शान में पढ़ता रहे। सुभानअल्लाह है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो प्यारे नबी पर सलातो सलाम पढ़ता रहेगा रुसवाई ना होगा कयामत के दिन। अरे वही नूरी चादर के साये के नीचे रहेगा, यही रजा का शरीयत ऐलान है। अल्लाह का शरीयत ऐलान है, रजा का यही शरीयत ऐलान है। अर शरीयत अदब एहतराम व ताजीम है, अर नबी के शान को घटाना ना कभी, नबी के शान को घटाना ना कभी। नुकसान घाटे खसारे में चले जाओगे, अरे जितनी इबादत करोगे बरगाह रसालत में पहुंचेगा नहीं, आसमान जमीन के बीच में झूलेगा। बेशक हाथ उठाओगे दुआ के लिए अल्लाह के बरगाह रसालत में पहुंचेगा नहीं, अर्श के नीचे झूलेगा। बेशक जब तक आशिके रसूल न होगे, सुभान अल्लाह, जब तक आशिके रसूल न होगे, रसूल पाक का नूरे नजर करम होगा, तो इल्म मारफत का पर्दा खुलता जाएगा। इल्म मारफत का दरवाजा मौला अली अली शेर खुदा कुंतुम मौला, मौला अली अली शेर खुदा, आमीन। इल्म मारफत की दरवाजा नूर हक के जलवा मौला अली अली शेर खुदा या अली मौला अली हक, यही मारफत का, यही मारफत का इश्क मोहब्बत मेरा जो नियाज है। इश्क में यही इश्क और मोहब्बत में राजो नियाज है, अरे दीवाने तड़पते हैं जहनाते रसूल पढ़ा जाता है, जहनाते रसूल पढ़ा जाता है। दीवाने तड़पते हैं अपने इश्क में, सुला आग भड़कता है, अर शरीयत न होता, अर शरीयत न होता तो
मारुफत का पर्दा खोल खोल कर आशिके रसूल सुना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक शरीयत न होता आशिके रसूल, पर्दा खोल खोल कर अर कह देता और सुनने वाले सुनकर, अर सुनने वाले सुनकर उनका दिल बाग बाग हो जाता। क्यों? ये मौला अली शेर खुदा का है। ये मौला अली शेर खुदा का इल्मे मारफत का दरवाजा हूबहू तेरा कुदरत की राजो नियाजो काली कुदरत का, वो काली तेरा कुदरत का राजो नियाज है। इधर है कुदरत कलम वो काली कमली वाले का काला गिला। सरकार मदीने का कमली काला है, कुरान आयत काला है, काबे का गिलाफ काला है, सरकार का कमली काला है, और प्यारे प्यारे हबीब मुस्तफा इल्म के शय है। इल्म शय में राजो निहाज वही अली का मारफत का राजो नियाज। सुभान अल्लाह हक है। वही अली का मारफत के राजो नियाज है। अरे मारफत ना होता तो दुनिया बनता नहीं। बेशक बेशक। अशरियत ना होता तो जाहिर होता नहीं। इसलिए अल्लाह का नबी इल्म के शय है। हजरत अली इल्म मारफत की दरवाजा है। इल्म मुकाम का वो इल्म मुकाम अली मुकाम का इल्म दरवाजा जब पर्दा खुलता है तो आशिक सर झुका कर शरीयत का अदब एहतराम तआज़ीम करता है। फिर शरीयत के अदब एहतराम तआज़ीम करता है। पर्दा खोलने से पहले कुरान में रुकू आ जाता है। रुकू आ जाता है। आशिक वही खामोश हो जाता है।